ऑल राइट, तो आज हम टेयर डाउन करने वाले हैं ट्रिपबिट स्टॉर्मबॉक्स माइक्रो 2 का। तो इसके हमने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल में रिव्यू कर दिया है, तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन आप चेक कर सकते हो एंड नीचे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ट्रिपबिट स्टॉर्मबॉक्स माइक्रो जो फर्स्ट जनरेशन था इसका, उसका भी हमने टेयर डाउन करा था, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम चेकआउट करेंगे स्पीकर अंदर से कैसा है, तो अगर आप भी जानना चाहते हो उसके अंदर का राज तो फटाफट से कर दीजिए पहले वीडियो को लाइक। तो स्पीकर को ओपन करना काफी आसान है, सबसे पहले इसकी टॉप ग्रिल को हम निकाल लेते हैं। टॉप ग्रिल निकल चुकी है, टोटली प्लास्टिक बिल्डिया आती है, काफी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इसमें यूज किया गया है, टॉप पार्ट पे फैब्रिक का यूज है एंड ग्लू की मदद से इसको चिपकाया गया है यहाँ पे ताकि इसकी ग्रिल आराम से ना निकले। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे हो तो काफी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका स्पीकर है, ये है इसका बेस रेडिएटर। अब इसको कम्प्लीटली ओपन करने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं 7 स्क्रू, 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं एंड 1 है यहाँ पे। तो सारे स्क्रू इसके ओपन हो चुके हैं, इसके बाद ये काफी आराम से ओपन हो जाता है। तो अच्छे स्पीकर की एक खास बात होती है कि काफी आराम से ओपन हो जाते हैं। सस्ते स्पीकर में कंपनी ग्लू का यूज करती है चिपकाने के लिए एंड जब आप उनको ओपन करते हो तो स्पीकर डैमेज हो जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे उसके काफी सारे कनेक्शन हैं, सभी को हम निकाल लेते हैं। लाइक टाइप सी कनेक्टर पोर्ट का कनेक्शन, बैटरी कनेक्शन, कंट्रोल बोर्ड कनेक्शन, माइक्रोफोन कनेक्शन। तो ये है इसका बैक पार्ट, यहाँ पे इसकी बैटरी है, सेकेंडरी बेस रेडिएटर यहाँ पे पेस्टेड है। तो बैटरी को मैं निकाल लेता हूँ। तो 4700 mAh की सिंगल सेल बैटरी इसमें यूज की गई है। टाइप सी पोर्ट इसका यहाँ पे पेस्टेड है, टोटली यहाँ पे ग्लूड है क्योंकि IP67 की रेटिंग के साथ ही स्पीकर आता है। यहाँ पे इसकी टॉप कंट्रोल की प्लेट एंड जो इसका बैक पैनल है यार काफी हैवी है, नॉर्मली स्पीकर्स में इतना हैवी पैनल नहीं आता है। अगर आप बजट स्पीकर्स देखते हो, डबल लेयर प्लास्टिक से बना हुआ है, एक लेयर यहाँ पे है, एक लेयर इसके बाहर की तरफ है, जिससे इसको काफी हैवी फील दे रहा है। अब आते हैं मेन पार्ट में, तो यहाँ पे इसकी मदरबोर्ड एंड स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर कनेक्शन, इसको मैं निकाल देता हूँ सबसे पहले एंड स्पीकर को हम निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं 4 स्क्रू। तो सारे स्क्रू ओपन हो चुके हैं, इसके बाद स्पीकर निकल जाता है काफी आराम से। तो ये रहा स्पीकर, स्पीकर की क्वालिटी काफी अच्छी है। कितने वॉट का स्पीकर है इसके पीछे के पार्ट में मेंशन नहीं है। बाकी यहाँ पे इसका फ्रंट बेस रेडिएटर है, यहाँ पे इसकी मदरबोर्ड, इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू है। सारे स्क्रू ओपन हो चुके हैं, फिर मदरबोर्ड काफी आराम से निकल जाती है। यहाँ पे इसका एंटीना भी पेस्टेड है, मोस्टली स्पीकर्स में एंटीना की वायर एक मदरबोर्ड में पेस्टेड होती है। अगर आप मदरबोर्ड निकालते हो तो एंटीना को भी आपको निकालना होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, एंटीना यहीं पे रहेगा। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी ट्रिबिट की, बिल्ड वाइज काफी सही है जैसा आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे इसके बटन्स भी हैं, ये है इसकी मदरबोर्ड, ये इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल है, यहाँ पे इसकी एम्पलीफायर आईसी है। तो इतना ही था स्पीकर के अंदर, स्पीकर के अंदर का मुझे आपको एक ओवरव्यू देना था एंड वो मैं आपको दे चुका हूँ। अब इसको हम फटाफट से क्लोज कर देते हैं एंड प्ले करके चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका स्पीकर मैं वापस लगा देता हूँ। तो स्पीकर को कम्प्लीटली क्लोज करने से पहले एक बार हम ऑन करके चेक कर लेते हैं।